हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साउथ सिटी पीसीएमबी और मैं आपका बालूजी मेंटर नागेंद्र साहब। तो हमारे ट्वेल्थीज बहुत बहुत वेलकम हमारे एक नए पैटर्न पे, जहां पर हम अब अपने आईएससी बोर्ड के क्वेश्चंस और नीट के पीवाईक्यूज हम बात करेंगे। और ये जो पीवाईक्यू है ये तो बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर अब थ्योरी का डिस्कशन नहीं होगा, यहाँ पर पेपर सॉल्व करूंगा। पेपर क्या, जो भी हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो आईएससी में पूछे गए हैं या फिर जो हमारे नीट एग्जाम में पूछे गए हैं, तो यहाँ पर नीट आईएससी प्लस नीट के पीवाईक्यूज लेके चलूंगा, जो बहुत ही बढ़िया है आपके लिए। पक्का है इससे क्वेश्चन आपके एमसीक्यू बोर्ड एग्जामिनेशन में जरूर फंसेंगे। तो आज हम चैप्टर उठाएंगे पीवाईक्यू के लिए, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। और एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो हमारा है एक तरीके की एप्लीकेशन थी कि कैसे हम बायोटेक्नोलॉजी को यूज करें एग्रीकल्चरल लैंड पे, कैसे यूज करें हम जीएमओस बनाने में, उस पे बेस्ड ही हमारा चैप्टर था। और आज हम उस चैप्टर के पीवाईक्यूज पे डिस्कस करेंगे। तो पहले बता दूं आपको कि हमारा चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड बायो ये सारों सब्जेक्ट को लेकर के आपके यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे है, जहां पर आईएससी पैटर्न पे आपको चीजें समझाई गई और अब क्वेश्चंस भी है जो हमारे आईएससी में पूछे गए हैं उस पे भी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको करना क्या भाई, ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, करना क्या इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हमारे ओल्ड व्यूअर्स हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आईएससी के पैटर्न पे कि आईएससी में किस ईयर में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया। देन हम चलेंगे मेडिकल लेवल पे जहां पर हम बात करेंगे नीट में कौन सा क्वेश्चन कब हुआ है। तो पहले चलते हैं आईएससी पे, चलिए आईएससी पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा मिलेगा यहाँ पर, क्वेश्चन के आंसर भी आपको मैंने लिखे हुए हैं, क्वेश्चन के आंसर भी आपको मिल सके, आपको भटकना ना पड़े कहीं पर। तो क्वेश्चन के साथ हमारा आंसर भी यहाँ पर मौजूद है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन था नेम द क्राई जीन दैट कंट्रोल कॉर्न बोरर, आईएससी 2020 का रिसेंटली ही क्वेश्चन हमारे पास, कि क्या कह रहा है, कह रहा है नेम द क्राई जीन दैट कैन नॉट कॉर्न बोरर, एक ऐसा जीन जो कंट्रोल करता है कॉर्न बोरर। कॉर्न बोरर क्या है तो आपको बता दूं, क्राई प्रोटीन निकलती थी, याद है ना, क्राई प्रोटीन जहां बीटी कॉटन बैसिलस थुरुजिएंसिस के बॉडी में, बैसिलस थुरुजिएंसिस एक बैक्टीरिया था और उस बैक्टीरिया को हमने पेस्टिसाइड्स के फॉर्म में यूज किया, उसकी बॉडी में बनने वाला एक जीन था, इसे हमने क्राई जीन नाम दिया। ये क्राई जीन क्राई प्रोटीन को बनाता है। तो क्वेश्चन कह रहा है नेम द क्राई जीन, तो क्राई फर्स्ट ए बी, तो यहां पर बेटा इसके साथ क्वेश्चन दूसरे और भी आ सकते हैं, कई कैटेगरीज होती हैं, क्राई फर्स्ट ए बी ऐसे करके क्राई फर्स्ट ए सी, तो यहां पर कॉर्न बोरर इंपॉर्टेंट है, 2020 में पूछा गया है, क्या है आंसर, क्राई फर्स्ट ए बी कॉर्न बोरर। ओके, अगर हम इसी बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन जो मिलेगा 2019 में पूछा गया था, स्टेट द पर्पस फॉर विच द इंडियन गवर्नमेंट हैज सेट अप जीईएसी। तो जीईएसी यानी जेनेटिकली एक तरीके से हमारा टर्म है जीईएसी, GESC has been decision regarding the validity of GM research. GM मतलब genetic modified या genetic modification research related है and the safety of introducing GM organism for public services. तो GESC हमारा ये चीज को कर देखता है, क्या देख रहा है हमारे GM organisms पे और GM organism पे क्या impact पड़ता है चीजों का उस पे। 2019 का question था। Okay, then आ जाइए अब हम बात करते हैं था। अब अगर टोबैको की रूट डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो सिंपल सी बात है टोबैको का प्लांट भी डिस्ट्रॉय हो जाना है, दोनों चीज डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। तो हमने यूज किया आरएनए इंटरफेरेंस मेथड। ये आरएनए इंटरफेरेंस मेथड करता क्या है देखते हैं, आपको एक अभी तरीके से समझा देता हूं। आरएनए इंटरफेरेंस का नॉर्मल कंडीशन पे आप जानते हैं अच्छे से कि एक जो हमारा डीएनए स्ट्रैंड है
नॉर्मल कंडीशन पे उससे एक ही एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है, एक डीएनए स्ट्रैंड से एक ही आरएनए का फॉर्मेशन होता है, क्लियर? एक डीएनए से एक आरएनए का। अब नॉर्मल कंडीशन पे है, अब मान लीजिए जो हमारा आरएनए था उसपे कोडॉन था ए जी सी टी सॉरी टी नॉट यू ए। अब अगर जो हमारा मेलियो डिजाइन इनकॉग्निटिया का लार्वा था वो लार्वा एक आरएनए बना रहा है, क्या आपको पता है डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बनेगी, आरएनए से प्रोटीन बनेगी। ये प्रोटीन एक तरीके की डिफेंस सिस्टम देगा या कोई एंजाइम हो सकता है। लेकिन सोचिए अगर लार्वा के अंदर बनने वाला ये आरएनए और इस लार्वा कहां है, लार्वा कर क्या रहा है, लार्वा हमारे रूट की सेल सैप को सक कर रहा है। अगर हमारे इस लार्वा के सेल सैप में साइटोप्लाज्म में इसका एक इसी के नाम का एमआरएनए हो, इसी का नाम का एमआरएनए हो, यानी उसमें हो यू जी यू के साथ जी के साथ सी, सी के साथ जी, यू के साथ ए, ए के साथ यू, अगर ये इसके साथ अटैच हो जाएगा तो क्या कर देगा, बॉन्ड बना देगा, एक डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगा। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगा तो ये क्या करेगा, बैक्टीरिया में या लार्वा में ये कैरेक्टर रिप्रेजेंट नहीं हो पाएगा, और जब ये कैरेक्टर रिप्रेजेंट नहीं हो पाएगा ऐसी कंडीशन पे क्या घटना घटेगी, ऐसी कंडीशन पे वो मारा जाएगा। इसे बोला गया आरएनए इंटरफेरेंस। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। आरएनए इंटरफेरेंस तो राइट द फंक्शन ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस, तो आरएनए इंटरफेरेंस इज टू इंटरफेयर विद एमआरएनए एंड कंट्रोल इट्स एक्सप्रेशन यानी कि ट्रांसलेशन, क्लियर? 2020। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चंस पे, कंटिन्यूअसली क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे हम लोग, क्वेश्चंस आपके लिए और अच्छे से निकालते हैं। गोल्डन राइस के लिए बनाने के लिए कह रहा है कि बायो फोर्टिफिकेशन, हालांकि ये टर्म आपका फूड इंप्रूवमेंट से है और फूड इंप्रूवमेंट टर्म हमारे सिलेबस से रिमूव हो चुका है तो हमारे लिए खास क्वेश्चन नहीं रहा, लेकिन 2021 में पूछा गया क्वेश्चन, देखिए रिपीट कर रहा है क्या, व्हाट इज आरएनए इंटरफेरेंस, गिव वन एप्लीकेशन ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस। तो आरएनए इंटरफेरेंस का अभी पढ़ के आया, आरएनए इंटरफेरेंस इज द प्रोसेस ऑफ इनहिबिटिंग पैथोजेनिक एमआरएनए मॉलिक्यूल बाय यूजिंग डबल स्टैंडर्ड आरएनए मीट एमआरएनए साइलेंसिंग, दिस इज मेनली परफॉर्मड इन वायरसेस दैट अफेक्ट द प्लांट व्हिच पॉसेसेस एन आरएनए जीनोम, यानी this is mainly performed in viruses that affect the plant which possesses an RNA genome, यानी हम viruses से अगर बचाना चाहें तो RNA interference को use कर सकते हैं, हम अगर larva से बचाना चाहें तो भी हम RNA interference को use करेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो RNA interference है उसका ये function है। 2021 question, 2021 ये two questions हुए और ये आपका आ जाएगा सीबीएसई के पैटर्न पे क्वेश्चन, देख लेते हैं सीबीएसई के भी क्वेश्चन क्या दिक्कत है, एमसीक्यू तो कॉमन हो सकते हैं। अगर देखें सीबीएसई 2008 में पूछा गया था, 2008 में पूछा क्वेश्चन, अ ट्रांसजेनिक फूड क्रॉप व्हिच मे हेल्प इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस इन डेवलपिंग कंट्रीज, इनमें से कौन सी चीज नाइट ब्लाइंडनेस को सही करने की, देखिए नाइट ब्लाइंडनेस एक जेनेटिक डिसऑर्डर है और ये नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी के कारण होता है, यानी ये जो हमारा है ये विटामिन ए की कमी के कारण होता है, इसे हम रेटिनॉल कहते हैं। विटामिन ए की कमी से रॉड सेल्स नहीं बनती हैं जिससे कारण वो डिम लाइट में देख नहीं पाता है। तो भाई इसका क्या आंसर बताइए, चलिए देखते हैं हम लोग आंसर। सबसे पहला गोल्डन राइस, सुना सुना सोयाबीन, स्टारलिंग मेज, फ्लेवर सेवर टोमेटो, तो बेटा यहां पर जो आपका आंसर मिलेगा गोल्डन राइस, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में गोल्डन राइस का नाम बहुत लिया जाता है, तो ये गोल्डन राइस है। ओके, इसका आंसर हमारा। आगे चलें, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोड्यूसिंग हर्बिसाइड रेसिस्टेंस जीनोम क्रॉप, हर्बिसाइड के हर्बिसाइड से मतलब समझे पहले, हर्बिसाइड क्या चीज है,
हर्बिसाइड का मतलब लिया गया है हर्ब से, हर्ब यानी वाइट वाइल्ड स्पीसीज ऑफ प्लांट। अगर हम प्लांट की स्पीसीज की बात करें, वो स्पीसीज जंगली हैं, जो नहीं चाहते कि वो खेत में आए, एग्रीकल्चर लैंड पे आए, लेकिन वो ग्रो कर गई। अब ग्रो कर गई तो नुकसान तो होगा, क्योंकि जो न्यूट्रिशन जा रहा था प्लांट को, वो न्यूट्रिशन पहुंच रहा है इस वाइल्ड प्लांट्स को। तो क्या कह रहे हैं मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर हम हर्बिसाइड रेसिस्टेंस जीएम क्रॉप तैयार कर रहे हैं, तो यार वाइल्ड स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, सिंपल देखो, इनकरेज इको फ्रेंडली हर्बिसाइड्स, रिड्यूस हर्बिसाइड्स एक्युमुलेशन इन फूड आर्टिकल्स फॉर हेल्दी सेफ्टी, एलिमिनेट वीड्स फ्रॉम फील्ड्स विदाउट द यूज ऑफ मैनुअल लेबर, या एलिमिनेट वीड्स फ्रॉम द फील्ड्स विदाउट द यूज ऑफ हर्बिसाइड्स। तो हम विदाउट ऑफ हर्बिसाइड्स, सिंपल सी बात है, हर्बिसाइड्स जो होते हैं बेटा, ये केमिकल्स होते हैं, और ये केमिकल्स हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक होते हैं। ये अगर हमारी बॉडी में जाएंगे तो हमारी बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट करते हैं। तो करना क्या है? करना ये है कि हर्बिसाइड्स को हटाना है, क्योंकि वो इंपैक्ट ना डाले। तो हम क्या करेंगे, हर्बिसाइड रेसिस्टेंस प्लांट तैयार करने, क्वेश्चन पे लिखा हुआ है हर्बिसाइड रेसिस्टेंस प्लांट बनाना यार, तो हर्बिसाइड्स किससे करोगे? देखो, eliminates weeds from the fields without the use of herbicides. Okay, आगे बात करते हैं। What is the true of BT toxin? सिवस्टिक तो हमने नाइन का क्वेश्चन है। BT toxin क्या है? What is true about BT toxin? B और T का मतलब मैं पहले बता दूँ आपका। B का मतलब होता है bacillus, और T far चले जाएंगे तो आपको मिलेगा thuringiensis. Thuringiensis. चलिए कह रहे हैं, the concerned bacillus has antitoxin, the inactive protoxin gets converted into active form in the insect gut. बेटा बस यही आंसर सही है। देखिए कह रहा है, BT protein exists as active toxin, को गलत है, activated toxin enters, नहीं, आपका B आंसर सही है। क्यों B सही है? क्योंकि the inactive, हमारा bacillus thuringiensis जो बैक्टीरिया है, ये एक inactive इनसॉल्युबल प्रोटीन बनाता है, जिसे क्राई प्रोटीन कहते हैं, क्राई जीन से बनता है। ये क्राई प्रोटीन जैसे ही हमारे पैथ, जो भी हमारा होस्ट था, यानी कि हमारा एक तरीके से प्लांट को बर्बाद करने वाला जो नेमेटोड था, या प्लांट को बर्बाद करने वाला जो ऑर्गेनिज्म है, जैसे ही उसके गट में जाता है, ये सॉल्युबल हो जाता है। क्यों सॉल्युबल होता है? यहां पर याद रखिएगा, क्यों सॉल्युबल क्यों होता है? क्यों, ये जो लिखा ना, प्रोटॉक्सिन गेट्स कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म इन द इंसेक्ट गट। तो ये जो कन्वर्जन हो रहा है, इस कन्वर्जन के लिए चाहिए बड़ा एसिडिक मीडियम, यानी पीएच लेस चाहिए, एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट होता है। तो अब इंसेक्ट ने खाया, इंसेक्ट के गट में एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम में ये हमारा जो पॉइजन है क्या हो गया, ये एक्टिवेट हो गया, और गट को क्या करता है, रप्चर कर देता है। गट में टाइनी पोर्स हो जाते हैं, और उन टाइनी पोर्स के कारण हमारा जो इंसेक्ट है वो मारा जाता है। आंसर हुआ, the inactive prototoxin gets converted into active form in the insect gut. Okay, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं लोग। आईएससी सीबीएसई एम्स पीएमटी के बाद में आएंगे, पहले हम आईएससी के पैटर्न को निपटा दें, इससे आपका काम खत्म हो जाए। आईएससी का एक लॉन्ग क्वेश्चन था, हमने टीम का, डिस्क्राइब द जीन थेरेपी प्रोसीजर फॉर एन एडीए डेफिशिएंट पेशेंट। देखिए एडीए डेफिशिएंट पेशेंट क्या है, सबसे पहले समझें, हमने बायोटेक्नोलॉजी को कई जगह पे यूज किया, और आखिरी टॉपिक जो हमारा बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन का था, उसमें हमने बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके जीन थेरेपी करना स्टार्ट किया, यानी ये क्वेश्चन हमारे जीन थेरेपी का, ये देखिए साफ साफ ये है, ये क्वेश्चन हमारे जीन थेरेपी का। जीन थेरेपी एक ऐसी थेरेपी थी जिसमें आपके जीन में हम मॉडिफिकेशन करते हैं, जीन में मॉडिफिकेशन करते हैं, और मॉडिफिकेशन के बाद हम
उस बीमारी को जड़ से खत्म करते हैं। लेकिन जड़ से बीमारी को खत्म करना आसान नहीं है। अगर वो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में हो तो जड़ से खत्म कर सकते हैं, अदरवाइज हम टेम्परेरी इलाज ही करेंगे। तो एडीएल डिफिशियंसी एक ऐसी डिफिशियंसी थी जिससे आपका इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाता है, आपका इम्यूनिटी सिस्टम बेकार हो जाता है, उस सिस्टम पे हमने बात करी। तो एडिनोसिन डीएमिनेज डिफिशियंसी यानी एडीएम, एडिनोसिन डीएमिनेशन डीएमिनेज डिफिशियंसी अकर्स ड्यू टू डिलीशन ऑफ एडीए जीन, एडीए जीन के डिलीशन के कारण, यानी जो चीज एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम बना रहा है, ये एंजाइम क्या नाम है एंजाइम का, एडिनोसिन, एडिनोसिन डी एमिनेज, एडिनोसिन डी एमिनेज एंजाइम होता है, एडिनोसिन डी एमिनेज एंजाइम, ये एंजाइम की डिफिशियंसी हो जाएगी। डिफिशियंसी क्यों हो गई, क्योंकि इस नाम का जीन आपकी बॉडी में नहीं है। अब जब जीन नहीं है तो एमआरएनए बनेगा नहीं, एमआरएनए नहीं बनेगा तो प्रोटीन नहीं बनेगी, इसलिए कोई एंजाइम नहीं बनेगा। अब जब कोई एंजाइम नहीं बना तो दिक्कत आ जाएगी, दिक्कत आपका इम्यूनिटी सिस्टम, क्यों, क्योंकि एंजाइम में बहुत भारी काम करता था। क्या काम करता था, देखिए ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम हमारे एडिनोसिन को डाइजेस्ट करने का काम करता है, एक्युमुलेट नहीं होने दे रहा था, क्योंकि एक्युमुलेट करेगा तो इन्फेक्शन बढ़ेगा। तो क्वेश्चन का आंसर कैसे कर रहे हैं, कह रहे एडिनोसिन डीएमिनेज डिफिशियंसी अकर्स ड्यू टू द डिलीशन ऑफ एडीए जीन ड्यूरिंग जीन थेरेपी, लिम्फोसाइट्स फ्रॉम द ब्लड ऑफ द पेशेंट आर ग्रोन कल्चर आउटसाइड बॉडी। उसका ब्लड सैंपल ले लिया, अब ब्लड सैंपल लेकर के उसके डब्ल्यूबीसी को बाहर कल्चर करेंगे। अ फंक्शनल एडीए सीडीएनए यूजिंग अ रेट्रोवायरस वेक्टर is then introduced into these lymphocytes which are subsequently returned to the patient. Lymphocyte में डाल करके हमने छोड़ दिया और इनका जो lymphocyte किया था वो हम क्या कर देंगे, इनके ब्लड में वापस पेशेंट में डाल देंगे। Infusion of such genetically engineered lymphocytes however if the gene isolate from bone marrow cells producing ADA introduced to it. अब आसानी से वो ADA से बचेगा, उसका immune system अच्छा रहेगा कुछ दिनों तक, क्योंकि temporary इलाज है जी आपका, मतलब कि परमानेंट इलाज नहीं है। आरएनए इंटरफेरेंस आप कुछ नहीं कितने देखने मिल रहा है, यानी आरएनए इंटरफेरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से। दो मिनट रुकिएगा, नोट कर लीजिए। RNA takes place in eukaryotic cells as method of cellular defense. This method involves silencing of a specific mRNA due to the complementary double stranded RNA molecule. जो मैंने बताया कि ये क्या करता है, RNA को ही stop कर देता है, RNA बना, RNA के parallelly arrange हो गया और RNA को काम करने से रोक दिया जाएगा। And the complementary strand binds to the mRNA and prevent its translation. जब आपका mRNA, आपका ये mRNA भी ऐसे था, आपको अच्छे से पता है AUG मेथियोनीन होता है, यहाँ पर सबसे पहले प्रोटीन को रखा जाएगा। लेकिन बेटा जब इसी के एंटी पैरेलल चेन ऊपर आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगी, बाउंड बन जाएगा, बाउंड बन जाएगा तो डीएनए पॉलीमरेज लग नहीं पाएगा या आरएनए पॉलीमरेज जुड़ नहीं पाएगा, यानी हमारा आरएनए पॉलीमरेज है ये अटैच नहीं हो पाएगा। जब अटैच नहीं होगा तो आपने बनेगा नहीं और इस प्रोटीन की कमी से आप मारे जाएंगे, मतलब इंसेक्ट मारा जाएगा, आप क्यों मारे जाएंगे, ठीक
बाद अब आते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन थोड़ा पहले के इस क्वेश्चन से इनको खत्म कर लेते हैं। यहाँ पर आपको अच्छा सा आंसर भी मिल जाएगा। ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया आर बीइंग यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग। ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया हम क्यों यूज करेंगे प्रोड्यूस करने के लिए यार? क्यों? क्योंकि एपिनेफ्रिन के लिए करें, ह्यूमन इंसुलिन के लिए, थायरॉक्सिन के लिए करें, कॉर्टिसोल के लिए। तो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया बीइंग यूज्ड प्रोड्यूसिंग ह्यूमन इंसुलिन। हमने ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया तैयार किया ह्यूमन इंसुलिन बनाने के लिए कि किसी को डायबिटीज ना हो। ट्रांसजेनिक गोल्डन राइस इज एनरिच्ड विद हाई कंटेंट ऑफ विटामिन ए। अब जब आप विटामिन ए खाएंगे, इनरिच हाई कंटेंट ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए बहुत होता है इसलिए वो आपको नाइट ब्लाइंडनेस में हेल्प करता है। बीटी टॉक्सिन इज इंट्रासेलुलर लिपिड, इंट्रासेलुलर क्रिस्टलाइन प्रोटीन, एक्स्ट्रासेलुलर क्रिस्टलाइन प्रोटीन या लिपिड। तो देखिए एक्स्ट्रासेलुलर तो होता नहीं है क्योंकि वो एक प्रोटीन है, पहली बात तो आपको पढ़ाया मैंने भी प्रोटीन है, और वो इनएक्टिव फॉर्म में पाया जाता है, तो वो जाता हमारा एक्स्ट्रासेलुलर क्रिस्टलाइन प्रोटीन होता है, सेल के बाहर निकलता है, ये हमारा क्राई प्रोटीन। ठीक है, तो देखिए ट्रांसजेनिक का मतलब जिसको हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए के थ्रू बनाया है उसे हम ट्रांसजेनिक बोल रहे हैं। तो एक ट्रांसजेनिक क्रॉप है जीन्स का, सिंथेसिस ऑफ न्यू प्रोटीन को बनाने के लिए हमने इसको बनाया है ट्रांसजेनिक क्रॉप को, रेसिस्टेंस टू एंटीबायोटिक उसे एंटीबायोटिक्स का हाइजीन दिया, फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम फॉर एंटीबायोटिक्स या ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए अगर हम ट्रांसजेनिक क्रॉप लें तो हम सिंथेसिस ऑफ न्यू प्रोटीन के लिए भी कर सकते हैं, रेसिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम फॉर एंटीबायोटिक्स, नो सिंथेसिस ऑफ न्यू प्रोटीन। हम न्यू प्रोटीन्स को बनाने के लिए प्लांट का यूज कर सकते हैं, कौन से प्लांट है? ट्रांसजेनिक, जो ट्रांसजेनिक हुए हैं यानी कि जिनमें रिकॉम्बिनेंट के थ्रू बनाया गया है। स्ट्रेन्स ऑफ बैसिलस थुरुजिएंसिस आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग। हम बैसिलस थुरुजिएंसिस को इसी वैसे तो 5 का क्वेश्चन है। स्ट्रेन्स ऑफ बैसिलस थुरुजिएंसिस आर यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग, किस लिए यूज किया जा रहा है बैसिलस थुरुजिएंसिस को? तो भाई बायो इंसेक्टिसाइडल प्लांट बनाने के लिए, बायो मिनरलाइजेशन नहीं। अभी आप पढ़ के आए हैं बीटी कॉटन के बारे में कि आप क्या करते हैं इंसेक्ट को मारते हैं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो हमारा एक ही आंसर है बायो इंसेक्टिसाइडल, इंसेक्ट को मारने वाली जो केमिकल होगा उसे हम बोलेंगे इंसेक्टिसाइडल। तो हमारा जो बीटी है क्या है? बायो इंसेक्ट। चलिए क्वेश्चन इस कतार यहां चालू होगी, जो जो दूसरे स्टेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको भी हम यहां पर रखेंगे ध्यान में। पहला क्वेश्चन, Name the nematode which infect the roots of tobacco plants. कौन सा इंसेक्ट है जो tobacco plant के रूट को इन्फेक्ट करता है? इसलिए मैंने पहले आपको आईएससी पैटर्न के क्वेश्चन लगवा दिए। अब आप उस क्वेश्चन से मैच करेंगे तो उस क्वेश्चन से मिलते जुलते आप खुद दे देंगे कि आप मेडिकल लेवल का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला था अभी कि टोबैको प्लांट के रूट्स में मेलियो डिजाइन इनकॉग्निशिया नाम का क्या पाया जाता है? एक लार्वा पाया जाता है, और उस लार्वा को, वही लार्वा नुकसान पहुंचाता था रूट्स पे जहां पर आरएनए इंटरफेरेंस हमने इस्तेमाल किया था। तो क्वेश्चन है नेम द नेमेटोड व्हिच इन्फेक्ट द रूट्स ऑफ टोबैको प्लांट। साफ-साफ है मेलियोडिजाइन इनकॉग्निटा, इनकॉग्निटा ये हमारा क्या है? ये लार्वा है जो नुकसान पहुंचाता है हमारे टोबैको प्लांट को। क्लियर? नेक्स्ट आ रहा था फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। कौन सा ह्यूमन हार्मोन रिकॉम्बिनेंट, सीबीएसई 2014 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन सीबीएसई के भी लेकर चल रहा है कि ज्यादा से ज्यादा वैरायटीज, आप तीन वैरायटी पढ़ रहे हैं आईएससी सीबीएसई के क्वेश्चंस और आपके मेडिकल के क्वेश्चंस। तो कह रहा कौन सा हार्मोन बनाया गया, तो मैं आपको तो सबसे पहला जो हार्मोन बनाया गया वो इंसुलिन हार्मोन था, और जिस कंपनी ने बनाया था उस कंपनी का नाम था एलाई लिली। एलाई लिली कंपनी अमेरिका की कंपनी थी, सबसे पहले आर्टिफिशियल हार्मोन बनाने वाली वो भी इंसुलिन हार्मोन। आगे चलते व्हिच ऑफ द व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग इन रिलेशन टू ट्रांसजेनिक बीटी कॉटन प्लांट। फिर से देखिए घूम के आ रहा है डब्ल्यूई जेई 2015 का क्वेश्चन था, कौन सा ट्रांसजेनिक बीटी कॉर्न के लिए यहां पर क्या है रॉन्ग है। तो देखिए रॉन्ग बोलना है क्रॉप यील्ड लॉस ड्यू टू अटैक बाय बैसिलस थुरुजिएंसिस बैक्टीरियम इज रिड्यूस्ड। ओके, कह रहा क्रॉप की यील्ड लॉस हो जाती है ड्यू टू अटैक बाय बैसिलस थुरुजिएंसिस इज रिड्यूस्ड। अगर बैसिलस थुरुजिएंसिस कम हो जाते हैं तो लॉस जाएगी। ठीक है भाई, देखते हैं आगे। क्रॉप यील्ड लॉस ड्यू टू द अटैक बाय लेपिडोप्टेरा इंसेक्ट पेस्ट इज रिड्यूस्ड। The use of chemical insecticides in the cotton field
इज मिनिमाइज्ड, ये सही बात कही गई किसके लिए, बीटी कॉटन के लिए। बेटर क्वालिटी कॉटन इज प्रोड्यूस, दोनों चीजें सही हैं, इन दोनों में एक गलत है कोई। तो क्रॉप यील्ड लॉस ड्यू टू द अटैक बाय लेपिडोप्टेरा, नहीं लेपिडोप्टेरा नहीं, लेपिडोप्टेरा यहां पर क्रॉप यील्ड लॉस बाय बैसिलस थुरिजिएंसिस, तीनों पॉइंट सही दिख रहे हैं, ए सी डी। गड़बड़ की ओर कौन सा है, बी वाला, तो आपका आंसर कौन सा बना, बी। क्लियर, आगे चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। जीन थेरेपी हैज बीन सक्सेसफुल इन क्योरिंग जेनेटिक डिसीजेस इन लेबोरेटरी एनिमल्स थ्रू, जीन थेरेपी सक्सेसफुल हुई है क्योरिंग जेनेटिक डिसऑर्डर इन लेबोरेटरी, किसके, एक्सपोजर टू एक्स रेस टू रेक्टिफाई द डिफेक्टिव जीन, नो, रिप्लेसिंग द डिफेक्टिव जीन विद अ फंक्शनल जीन, ओरल डिलीवर ऑफ जीन्स, यूज ऑफ थेरेपेटिक मेडिसिन रेक्टिफाई, आपका आंसर है बी। हम जीन्स में चेंजेस करते हैं, हम डिफेक्टिव जीन की जगह पर हम फंक्शनल जीन लगाएंगे जिससे एडीए एंजाइम बना था, तो हम जब जीन्स के लेवल पे करेंगे तो हमारा आंसर क्या जा रहा है, रिप्लेसिंग द डिफेक्टिव जीन विद अ फंक्शनल जीन। क्लियर, आगे चलते हैं। द क्रॉप्स इंजीनियर्ड फॉर ग्लाइफोस्फेट आर रेसिस्टेंट टॉलरेंट्स, ग्लाइफोस्फेट्स, द क्रॉप इंजीनियर्ड फॉर ग्लाइफोस्फेट आर रेसिस्टेंट टॉलरेंट, किसके लिए रेसिस्टेंट टॉलरेंट था, दिमाग लगाइए थोड़ा, सोचिए जल्दी से। अगला क्वेश्चन, तो यहां पर जो हमारा कह रहा था क्रॉप्स इंजीनियर्ड फॉर ग्लाइकोफॉस्फेट आर रेसिस्टेंट टॉलरेंट, तो यहां पर आपका जो ग्लाइकोफॉस्फेट था वो आपका इंसेक्ट्स के लिए था, इंसेक्ट से बचने के लिए था। इन बीटी कॉटन द बीटी टॉक्सिन प्रेजेंट इन प्लांट्स टिश्यू एज प्रोटॉक्सिन इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव टॉक्सिन ड्यू टू द, थ्योरी कवर हो जाएगी, आपका ये पार्ट आसानी से क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हैं, फिर से क्वेश्चन पूछा गया है, खुद मुझे वो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। 2015 का है, गोल्डन राइस इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट वेयर द इनकॉर्पोरेटेड जीन इज मीन्ड फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ विटामिन ए, तीन क्वेश्चन इसी कंटिन्यूस लगातार आ चुके हैं हम लोग। ओके, हम चलते हैं आगे, ये आगे क्वेश्चन की मनमान है, क्वेश्चन क्या है समझते हैं। कहते हैं भाई साहब, अ न्यू वैरायटी ऑफ राइस वाज पेटेंट बाय अ फॉरेन कंपनी थ्रू दो सच वैरायटीज हैव बीन प्रेजेंट इन इंडिया फॉर अ लॉन्ग टाइम, नीट 2018 का क्वेश्चन है। कौन सी वैरायटी पेटेंट करी गई है फॉरेन कंपनी के थ्रू, है हमारी राइस और करी जा रही है फॉरेन कंट्री के थ्रू, दिमाग लगाइए कौन सी राइस है इसमें से वैरायटी जो फॉरेन कंट्री ने पेटेंट करा, यानी अब आप उसे ये नहीं कह सकते ये हमारे यहां की ओरिजिन है, ध्यान से देखिए। ओके, देख लिया सर, चलिए आगे देखते हैं। तो बड़ा आसानी से इसका नाम आपको मिलेगा, क्या को 667 है, साबर सरबती सुरारा लर्मा रोजा या फिर बासमती, तो बड़े कॉमन टर्म में आने वाली ये है बासमती, तो जो आप बासमती खाते हैं अब ये फॉरेन कंट्री ने पेटेंट करा ली है, इसके लिए हमें टैक्स देना पड़ेगा। नीट 2018 का एक नेक्स्ट क्वेश्चन फिर इसी चैप्टर से गिरा है, क्या है, यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन विदाउट ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंसर्न कंट्री एंड इट्स पीपल इज कॉल्ड, कह रहा अगर आपने बिना किसी ऑथराइज्ड कंपनी से पेटेंट लिए आपने इसको लॉन्च कर दिया, कोई भी बायो टेक्नोलॉजी का रिसोर्सेज है, तो उसके लिए आप क्या टर्म यूज करेंगे वहां के लोगों के लिए, तो बड़ी कॉमन से आती है, कहते नहीं आप लोग पायरेटेड सीडीज है पहले बोल रहा था, तो ऐसी टर्म आप यूज कर देंगे बायो पायरेसी, क्या बोलेंगे बायो पायरेसी, कब बोल रहे हैं इसको, विदाउट ऑथराइजेशन आप क्या कर रहे हैं ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कंपनी, आपने कोई लाइसेंस नहीं लिया, सो हिंदी में देखें तो लाइसेंस बिना लिए आप काम कर रहे हैं, इसलिए हो गया क्या आपका
बायो पायरेसी। नहीं तो 2018 में फिर से क्वेश्चन दिया है इसे क्या, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप्स ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के लिए आपको मेरे लेक्चर पे जाना पड़ेगा, लास्ट लेक्चर पे, लेकिन नहीं अभी क्वेश्चन सॉल्व करा तो बता दूं। पीसीआर जो होता है इसके थ्री स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है बेटा डीनेचुरेशन, डीएनए को अलग कर दीजिए। पहला स्टेप डीनेचुरेशन, देन क्या होगा एनीलिंग, एनीलिंग मतलब प्राइमर लगेगा, और लास्ट पे होगा क्या एक्सटेंशन। तो देखिए मैच कर लीजिए, डीनेचुरेशन एनीलिंग एंड एक्सटेंशन, आंसर आपका डी सही है। आप सोचिए अगर क्लास ले लें तो आप नीट के क्वेश्चन अभी यही सॉल्व कर रहे हैं, मेडिकल की कुछ लेने जरूरत ही नहीं है। Which of the following is true for golden rice? Golden rice आ गया यार, 2019 का question है, नीट का, आप ऐसे solve कर लोगे? क्या solve कर लोगे? Vitamin A बनाने के लिए हमने golden rice में modification किया था। देखिए सीधे सीधे answer आ जाएगा। It's a vitamin A enriched with a gene from daffodil। अब देखिए यहाँ पता होता game हुआ है। It is pest resistant गलत है। It is drought tolerant गलत है। It has yellow grains because of the gene introduced from a primitive variety of rice. Sorry for that। Answer हमारा सही है A। It is vitamin A enriched with a gene from daffodil. Daffodil नाम के जीन से हमने उसमें vitamin A यानी night blindness से बचने के लिए chemical जीन को introduce किया. Daffodil याद रखिएगा daffodil को. अगला क्वेश्चन कहता है नीट 2019 में है, थोड़ा सा दिख जाएगा, उसको मैं कर लेता हूँ। क्वेश्चन कहता है what triggers एक्टिवेशन ऑफ प्रोटॉक्सिन। हो भगवान ये 2019 का क्वेश्चन है यार, कह रहा आपसे कौन सी चीज ट्रिगर करती है प्रोटॉक्सिन यानी जो हमारे ट्राई प्रोटीन है उसको एक्टिवेट करने की अभी बात करी थी। इंसेक्ट का जो गट होता है, एसिडिक मीडियम जो होता है वही मिल जाएगा। बोल रहे हैं मेरे भाई देखो क्वेश्चन ही पढ़ा मैंने पूरा, आप पढ़ सकते हैं, मैंने नहीं पढ़ा, मैं समझ गया व्हाट ट्रिगर्स एक्टिवेशन ऑफ प्रोटॉक्सिन एक्टिविटी। बैसलर सॉल्यूशन से बेटा वो कौन है हमारा, देखिए हमारे भाई साहब आ जाएंगे। एसिडिक पीएच ऑफ स्टमक, एसिडिक पीएच ऑफ स्टमक, और ये हमारा आंसर सही हो गया। नीट 2020 का क्वेश्चन है बीटी कॉटन वैरायटी दैट वाज डेवलप्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन जीन ऑफ बैसिलस थुरिजिएंसिस रेसिस्टेंस टू द बैसिलस थुरिजिएंसिस। नीट का क्वेश्चन है बैसिलस थुरिजिएंसिस रेसिस्टेंस है किसके लिए, प्लांट कहां गए मेरे इंसेक्ट पेस्ट के, जो इंसेक्ट होते हैं उनको मारने के लिए हमारा बीटी कॉटन होता है। पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए देखते रहिए, मैं आगे आता हूं भी। किसी के डिसीज को सही करने के लिए तो जीन का यूज करने के लिए जीन थेरेपी तो बोलेंगे, क्या हो जाएगा जीन थेरेपी। 2021 का क्वेश्चन आपने सॉल्व किया। In gene therapy of adenosine deaminase deficiency, the patient requires periodic fusion of genetically engineered lymphocyte because इसलिए कि आपके zygotic condition पे हमने जीन को इंट्रोड्यूस नहीं कराया है, हमने आपके lymphocytes में इंट्रोड्यूस कराया। lymphocytes का एक अपना डे होता है, उसके बाद वो डेथ हो जाती है उनकी, तो जैसे मिटल जाएगी तो नहीं मैं अपने आप बन के आएगा नहीं, तो हमें इसलिए क्या करना पड़ता है पीरियोडिक जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास, लिम्फोसाइट्स हमें नए डलवाने पड़ेंगे जिससे हम एडीए से बचे रहे। क्या है क्या रेट्रोवायरल वेक्टर इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू दीस लिम्फोसाइट्स। ओके जीन आइसोलेटेड फ्रॉम द मैरोसेल्स प्रोड्यूसिंग एडीए इंट्रोड्यूस्ड गलत। लिम्फोसाइट्स फ्रॉम पेशेंट्स ब्लड फ्रॉम ग्रो इन द कल्चर आउटसाइड द बॉडी, जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स आर नॉट इमॉर्टल सेल। देखिए तो ये भी गलत है टर्म, retroviral vector is introduced into these lymphocytes, retroviral vector कि आपका आंसर सही होगा वो retroviral vector होता है, हमें vector introduce करना पड़ता है आपके genes में। okay तो ये आपका आंसर होगा, ये 2022 का। आगे चलते हैं, okay AP division can be code permanently हुआ कि नहीं हुआ भाई, हाँ अभी नहीं हुआ। चल question number 21 सीबीएसई 2009 में आ गए। एडीए डेफिशिएंसी कैन बी क्योर परमानेंटली बाय एंजाइम रिप्लेस थ्योरी बाय इंट्रोड्यूसिंग मैरोसेल्स इन अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज। आपको ये आंसर सही होगा, आप अगर अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज पे कर लेते हैं तो आपकी एडीए डेफिशिएंसी सही हो जाएगी।
22. Cry second AB and cry first AB produce toxin that control. Cry first AB and cry first AB, also cry second है. Produce toxin that control cotton ball worms and corn borer. अभी हम लोग पढ़ के आए पीछे कि cry first, cry second AB. चलिए देखिए ध्यान से देखिए इसको साथ साथ डिस्कस करते हैं जल्दी से. Genetic engineering क्यों successfully used for producing transgenic models for studying and new treatments for certain cardiac diseases. Transgenic cow rosy which produce high fat milk गलत है. Animals like bulls for farm work as they have super power गलत. Transgenic mice for testing safety of polio vaccine before in humans. तो आपका यहाँ पर आंसर ठीक सही है. हमारे genetic जो engineering बनाए जाते हैं basically वो उनका जो main मुद्दा है कि वो आपके सेफ्टी पर्पज से किया जाता है. कोई वैक्सीन बने सबसे पहले उनका एक्सपेरिमेंट माइस पे हो जाए. जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइस हमने बनाए जहां पर हमें सेफ्टी टेस्ट कर सकते हैं. सेफ्टी टेस्ट के बाद ही हम उसको पीपल पे लाएंगे, ह्यूमन पीपल पे लाएंगे. हिरुडिनेरिया एक तरीके का जोक लाइफ होता है जो हमारी जोक होती है जिसे आप लीच कहते हैं. उसका एक बटर जूस का नेम है. कह रहे हिरुडिनेस प्रोटीन फॉर्म हॉर्डियम वाइग्रे ना टॉक्सिक मॉलिक्यूल फ्रॉम गॉसिपियम प्रोटीन फ्रॉम ट्रांसजेनिक ब्रैसिका नैपस या एंटीबॉडी फ्रॉम जीएम एस्केरिसिया. बोले तो आपका हॉर्डियम वल्गैरिस इस ऑर्गेनिस से प्रोटीन है निकाली जाती है हॉर्डियम वल्गैरिस जिससे कि ब्लड क्लॉट ना हो इसके लिए हम यूज करते हैं. केसीएटी 2008 एम्स में पूछा गया था क्वेश्चन. इन बीटी कॉटन अ ट्रांसजेनिक प्लांट बीटी रिफर्स टू क्या रिफर्स करता है बीटी. तो 2008 का बहुत पहले क्वेश्चन इसलिए बहुत सिंपल लग रहा है. क्या सिंपल लग रहा है बीटी का एक्सपेंड फॉर्म पूछ रहा है. तो बीटी का एक्सपेंड फॉर्म क्या हो गया बैसिलस थोरिनजिएंसिस. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पैटेंट not be patent GM plants new substance of utility new species of plants. अब ऐसे क्वेश्चन ऐसे आते नहीं कमेंट का बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया. आपका इसका आंसर बताना जरूरी नहीं. न्यू सब्सटेंस ऑफ यूटिलिटी के लिए यूज करते हैं स्टम को. बहुत पुराने क्वेश्चन थोड़ा हो चुके हैं. अब मेडिकल के लिए आपके पास क्वेश्चन बचता है कुछ तो देख लेता हूं. यहां सारे क्वेश्चन आपके रेट्रोवायरस के हो चुके हैं फेस हो चुके हैं क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली फ्रेज हो चुकी है बेटा. तो आपने अच्छे से देखा और समझा क्वेश्चंस को क्वेश्चंस की वैरायटी को जहां पर मैंने आपको आईएससी के सीबीएसई के और मेडिकल में पूछा गया भी क्वेश्चन किया और देख भी लिया हमने कि नीट में तो 2018 में कौन सा पूछा गया क्वेश्चन 20 में कौन सा पूछा गया है ये भी हमारे दिमाग में. तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है एक अच्छा मौका है कि आप इसमें पढ़ें क्वेश्चंस को सॉल्व करें साथ में लगवा ही रहा हूँ पॉज कर रहे थे कि जितने क्वेश्चन पढ़ डालिए आपकी नजर. आप कहेंगे सर मैं सर चैप्टर को घर पर पढ़ सकता हूँ लेकिन बड़ा जो क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ आपको एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ा रहा हूँ ना वहां पर सीधे आप आंसर देखोगे. यहाँ पे मैं चीजों को एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ तो थोड़ा सा फर्क है. तो बने रहिए ऐसे वीडियो को अंत तक देखते रहिए. बाकी हर चैप्टर के पीवाईक्यूज नीट मैं डालूंगा बस साथ में आपको लगे रहना है चैनल को सब्सक्राइब करके रखना जिससे कि आपको ऑन टाइम हमारा लेक्चर मिलता रहे. चलिए मुलाकात करेंगे नेक्स्ट एक चैप्टर पे एक नए पीवाईक्यू के साथ नीट और आईएससी के लिए.